अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अली हुसैन जैदी एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे गेटवेल चैरिटेबल क्लिनिक का। ये क्लिनिक जो है गेटवेल चैरिटेबल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलता है और तकरीबन 20 साल से ये क्लिनिक हमारा 22 साल से काम कर रहा है और 2008 से हम लोग जो है आई कैंप्स करते हैं साधुरा माई हॉस्पिटल और दूसरे कई हॉस्पिटलों के साथ हम लोग उनके इश्तराक में जो है कई कैंप कर चुके हैं और तकरीबन 300 से 400 ऑपरेशन हम लोग करवाए अब तक। माशाल्लाह से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हर हमारा जो कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है वो कामयाबी से हुआ और काफ़ी लोगों को इससे जो है ना इस्तेफादा हुआ। और साधुरा मई हॉस्पिटल में ये हम लोग उनके साथ जो है वहाँ पे ले आके वहाँ पे टाइप होता है, वहाँ से यहाँ से ले जाते हैं, साधुरा मई हॉस्पिटल को ले जाने की भी सहूलत है, फिर वहाँ पे जो है रखना प्री ऑपरेशन जो टेस्ट होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और वहाँ पे रहना खाना एवरीथिंग चेकअप एवरीथिंग और कैटरेक्ट ऑपरेशन टोटली फ्री होता है, एक पैसा भी किसी का कोई ख़र्चा नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे जो है काफ़ी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोगों को काफ़ी उससे जो है ना फ़ायदा हुआ है और वापस जब वापस ला के छोड़ते हैं तो वो लोग ड्रॉप्स वगैरह और प्रोटेक्शन के लिए जो ऐनक होती है वो देकर वापस ला के क्लिनिक पे छोड़ते हैं। आज संडे का दिन है, सुबह 8 बजे से ये ऑपरेशन शुरू चेकअप शुरू हुआ, यहाँ पे 8 बजे से 2 बजे तक चेकअप होगा। जितने भी कैटरेक्ट केसेस होंगे वो जो है साधुरा मई हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, ले जाने की और वापस लाने की ले जाने की दोनों की सहूलत है, टोटली फ्री है वो, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट कैंप में आप लोग ये चैनल के थ्रू जो लोग ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको ये बोलूँगा कि नेक्स्ट कैंप में अगर कोई ऐसे हजरात है जिसके पास इस्तेआत नहीं है, जो कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जो आज के दौर में जो है तकरीबन 7,000 से लेके 40,000 17,000 45,000 के खर्चा हो रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाना लाना रहना खाना कैटरेक्ट का ऑपरेशन ड्रॉप्स वगैरह एवरीथिंग टोटली फ्री मिलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अपने रिश्तेदारों को और ख़ानदान में कोई ऐसे हजरात है तो आप नेक्स्ट कैंप, फिर एवरी मंथ होता है ये कैंप, चूँकि मुहर्रम और सफ़र था हम लोग कैंप उस दौरान में नहीं कर पाए तो ये पहला कैंप है दो महीने के बाद, लेकिन इंशाल्लाह एवरी मंथ रेगुलरली ये कैंप होंगे। अब मंथ के पहला इतवार या दूसरा इतवार की ऐसा होता है, हम लोग ऐलान भी करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, वह खुद में आपको इतला करेंगे इंशाल्लाह जब आप लोग जो है ये कैंप में आप शिरकत कर सकते हैं और इससे इस्तेफादा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पब्लिक टीवी और TV1 का जो आप तशरीफ लाए और जो है हमारी काविश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत, तमाम टीम का, पब्लिक टीवी और TV1 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये कैंप तो अभी हो रहा है, ये जब तक आपको ये न्यूज़ मिलेगी आप लोग जो है ये कैंप हो चुका होगा, लेकिन नेक्स्ट कैंप के लिए इंशाल्लाह आपको ऐलान किया जाएगा, उस वक्त आप इस्तेफादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।